दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात करते हैं, जहां सरकारी अस्पताल में बनी पुलिस चौकी में हर वक्त ताला लगा रहता है। यानी कि पुलिसकर्मी समय पर चौकी में नहीं आते। अगर अस्पताल में कभी भी कोई घटना घट गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अस्पताल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इमरजेंसी वार्ड, जहां पर आए हर मरीज को प्राथमिक उपचार दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है जब इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत हो जाती है और उसके परिजन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ हाथापाई पर उतर आते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिए अस्पताल में चौकी बनाई जाती है, जहां पर तैनात पुलिस ऐसी स्थिति से वक्त पर निपट सके। लेकिन गाजियाबाद के मुख्य सरकारी अस्पताल MMG पुलिस चौकी पर ज्यादातर ताला लगा होता है, जिससे डॉक्टर में हमेशा भय का माहौल बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो रात में आया था तो इसका था कि पुलिस चौकी बंद थी, ताला लगा। हाँ जी, हाँ जी। आज जो यहाँ मरीजों को ठहरने के लिए रैन बसेरा बना हुआ है, 24 घंटे खुलना चाहिए, उसमें बंद रहता है। उसमें शराब की बोतलें वगैरह ये सारी चीजें रात को नहीं। देखो सिक्योरिटी की जहां तक बात है, मैंने अभी आपको बताया, हाँ DM से भी मैंने बात की है, SSP को मैंने कितनी चिट्ठियां लिखी है, पूरी मेरे पास फाइल है। कोई SSP ऐसे नहीं है जिनसे जाके मैंने पर्सनली बात नहीं की है। डॉक्टर दीपक कुमार जी से भी मैं पर्सनली जाके मिला हूँ। सिक्योरिटी की बात में पुलिस चौकी को एक्टिवेट कराने के बारे में मैं खुद मिल चुका हूँ। बीच में इलेक्शन का पीरियड आ गया था, तो बीच में 2 महीने में जरूर मेरी मुलाकात इस बारे में नहीं हुई कि इलेक्शन थोड़ा निमट जाएगा, उसके बाद फिर मुलाकात करेंगे। अभी मेरा कार्यक्रम है, मैं DM से भी इस बारे में बात करूंगा और SSP से भी बात करूंगा। मैं ये चाहता हूँ पुलिस चौकी भी फंक्शनल हो 24 घंटे और सिक्योरिटी गार्ड भी कम से कम 20 हमारे पास, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एनक्रोचमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी सब उसी से रिलेटेड है। हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे तो हम उनको उनसे जो है वो काम। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बनी ये चौकी ज्यादा समय बंद ही देखने को मिलती है, और इसी वजह से जब कोई गंभीर मरीज जाता है तो डॉक्टर डर के साथ उसका इलाज करते हैं। नहीं, वहाँ तैनाती रही है, पहले वहाँ तैनाती थी एक महिला SI की और 2-3 कांस्टेबल्स की, लेकिन इस बीच कई काफ़ी संख्या में ट्रांसफ़र हुए जो कि जिले से बाहर चले गए हैं, सब छोड़ दिए गए हैं। अब नई फोर्स जो हमारे यहाँ आमद कराएगी, निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वहाँ पोस्ट किया जाएगा। हालांकि पुलिस ट्रांसफर का रोना रो रही है और पुलिस बल न होने के कारण ये चौकी अस्पताल में खुद बीमार नजर आ रही है, और साथ ही पुलिस न होने के कारण ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर हर वक्त डर का इलाज कर रहे हैं। गाजियाबाद से राशि चौधरी की रिपोर्ट।